दोस्तों 1 जुलाई 2022 से प्लास्टिक पे बैन लग चुका है और इन 19 आइटम पे बैन लगा है। हम पूरी खबर आपको बताएंगे क्या है और क्या होता है सिंगल यूज प्लास्टिक। तो दोस्तों ये खबर आपके बहुत काम की आने वाली है, आपके ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको एक एक चीज़ कर बताएंगे कि क्या सिंगल यूज होता है और इसका क्या क्या उपयोग होता है और इसमें किस प्रकार के आइटम में बैन लगा है और हमको क्या क्या करना चाहिए। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। सबसे पहले तो आप बाज़ार सब्जी खरीदने या कुछ खरीदने जाएं तो सबसे ज़रूरी काम की बात कि आप अपने घर से एक थैला एक झोला लेके जाएं, क्योंकि पॉलीथीन मिलना आज से बंद हो जाएंगी। तो जान लेते हैं कौन कौन से आइटम पर बैन लगा हुआ है। देखिए, प्लास्टिक स्टिक पे बैन लगा हुआ है, जो कान में लगाते हैं उससे मैल वगैरह निकालते हैं उस पर। प्लास्टिक के झंडों पे बैन लगा है, जो प्लास्टिक के झंडे मिलते थे अब उन पे रोक लग गई है, उसके आगे कपड़े के चलेंगे। और गुब्बारों के लिए प्लास्टिक स्टिक जो यूज होती थी उस पे बैन लगा है। आइसक्रीम स्टिक पे बैन लगा हुआ है दोस्तों, कैंडी स्टिक पे बैन लगा हुआ है और मिठाई के डिब्बों को रैप करने के लिए जो पन्नी होती थी उस पर बैन लगा हुआ है। स्ट्रा पे बैन लगा हुआ है, जिसमें बच्चे बहुत एंजॉय करके कोई भी जूस वगैरह पीते थे उस पे बैन लगा है। एवं सिगरेट के पैकेट पे भी बैन लगा हुआ है। और दोस्तों जो इनविटेशन कार्ड होते थे उन पे भी बैन लगा है। दोस्तों सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होने से क्या क्या विकल्प हम यूज कर सकते हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे प्लास्टिक के स्ट्रा की जगह पेपर का स्ट्रा का यूज किया जा सकता है। इसी तरह बांस से बनी ईयरबड्स स्टिक, बांस से बनी आइसक्रीम स्टिक, कागज़ और कपड़े से बने झंडे, परंपरागत मिट्टी के बर्तन आदि का इस्तेमाल सिंगल यूज प्लास्टिक की जगह लिया जा सकता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि प्लास्टिक की जो बोतल होती है जो पानी की मिलती है जिस प्रकार की, और वो भी सिंगल यूज प्लास्टिक में ही आती है, जिसको आप पानी यूज करने के बाद फेंक सकते हैं। लेकिन वो अलग बात है कि आप उसको 10-15 बार यूज कर लेते हैं, उसके बाद उसको पूरा जब तक वो काली नहीं पड़ जाती जब तक यूज करते हैं तो ये गलत है। उसको भी आपको एक बार यूज करके फेंक देना है। उसके अलावा अगर आप मजबूत प्लास्टिक की बोतल लेंगे, लगभग मार्केट में 25 से 30 रुपए की आ जाएगी, उसका यूज पानी के इस्तेमाल के लिए करिए, जो कि सिंगल यूज नहीं होती मल्टीपल यूज होती है, तो ये आप एक विकल्प के रूप में चुन सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा जो निर्णय है बहुत ही अच्छा है। ये प्लास्टिक बहुत ही नुकसान होती है, इससे बहुत ही प्रकृति को हमारी एनवायरनमेंट को बहुत बड़ा खतरा है। ये नष्ट नहीं होती है प्लास्टिक एक बार बनने के बाद, और इसी प्रकार ये हमारे जो मवेशी हैं उनके लिए भी बहुत हानिकारक होती है और हमारे मवेशी इसको खा लेते हैं जिससे उनकी जान तक को खतरा हो जाता है। इसलिए इसमें सहयोग प्रदान करिए और जे प्लास्टिक की जगह आप अपना थैला या कपड़े से बनी कागज़ से बनी थैली इस्तेमाल करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।